राजगढ़ जिले के कुरावर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना सामने आई है। घटना से नाराज दलित समाज ने पुलिस थाने का घेराव कर आरोपी का मकान तोड़ने की मांग की। दरअसल मामला कुरावर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरा का है, जहां दलित समाज की बच्ची को घर में अकेला पाकर वर्ग विशेष का एक युवक घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और समाजजनों ने कुरावर थाने का घेराव किया और आरोपी का मकान तोड़ने की मांग की। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना कुरावर में शुभ्रा मेवाती के एक पीड़ित लड़की ने, जो नाबालिग है, उसका नाम हम नियमानुसार आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट पर से रात में ही तत्परतापूर्वक कुरावर पुलिस ने 354 का IPC 7/8 पॉक्सो एक्ट और SC ST एक्ट की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। महिला सब इंस्पेक्टर को रात में ही ब्यावरा से बुलाकर उसका बयान और FIR दर्ज कराई गई है, उसका मेडिकल कराया गया है, उसके परिजनों के बयान की प्रक्रिया चल रही है और आज पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी हमारे पास पूछताछ में कस्टडी में आ चुका है। तो ये सारी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, इसमें जो भी कानूनी प्रावधान है उनका सख्ती से पालन करके पूरी कार्रवाई तत्परता से पुलिस द्वारा की जा रही है। धन्यवाद सर। इसमें RSS वाले, बजरंग दल वाले का कहना है कि उसके घर पे, मकान पे बिल्डर चलना चाहिए, ये सब कुछ होगा क्या? देखिए, पुलिस का जो काम है, जो हमारा दायित्व है, वो हमने पूरा किया है। हमें एक ज्ञापन भी दिया गया है जी, लड़की के पक्ष के लोगों ने अभी एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में उन्होंने अपना आक्रोश और अपनी भावनाएं व्यक्त की। ज्ञापन हम फेथफुली वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचा देंगे और जो भी नियमानुसार संभव हो सकता है वही कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद।